हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से आर और एस सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर और एस सिस्टम, इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, यानी इसमें हमें किसी भी रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ती है। आर का मतलब होता है रेक्टस, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, एंड एस का मतलब होता है सिनिस्टर, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप। अब आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता क्या है। जनरली दोस्तों ये जो रोटेशन है ये ग्रुप का होता है। जब हम ग्रुप को कुछ नंबर असाइन करते हैं जैसे 1, 2 एंड 3, तो इन ग्रुप का अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसे आर बोलेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो हम उसे एस बोलेंगे। तो इसको करते कैसे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखा है और जो चार ग्रुप आपको दिख रहे हैं इन चारों को मैंने कुछ नंबर असाइन किया है। अब ये नंबर कैसे पड़ा है इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखना है कि इन नंबर का रोटेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, फोर्थ वाले ग्रुप को कंसिडर हमें नहीं करना है, हमें केवल 1, 2 और 3 ग्रुप को देखना है। तो 1, 2 और 3 का जो डायरेक्शन है वो 1, 2 और 3 इस तरह आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर होगा। इसी तरह दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया, इसमें भी ग्रुप को कुछ नंबर असाइन किया है। अब मैं इन नंबर का रोटेशन देखूंगा, केवल मुझे 1, 2 और 3 का ही रोटेशन देखना है, 4 का रोटेशन मुझे नहीं देखना है। तो अब देखिए दोस्तों जो 1, 2 और 3 है उसका रोटेशन किस तरह पर है, 1, 2 और 3, यानी ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। तो इसी तरह मुझे हर किसी कंपाउंड में आर और एस का पता लगाना है। चलिए दोस्तों कुछ रूल्स देख लेते हैं, ये रूल्स आपको जानने बहुत जरूरी है, इनके बेसिस पे आप जो है आर और एस का पता लगाओगे। सबसे पहला काम हमें करना है हर किसी ग्रुप या एटम जो कि कैरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको एक नंबर असाइन करना है। जो नंबर आप असाइन करोगे वो उस एटम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करोगे, यानी हाई एटॉमिक नंबर को आप हाई प्रायोरिटी दोगे। जैसे अगर कैरल कार्बन से दो एटम जुड़े हैं, एक का एटॉमिक नंबर 10 है दूसरे का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 10 वाले को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, 8 वाले को आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे, यानी 10 वाले को आप पहला नंबर दोगे, छोटे वाले को आप दूसरा नंबर दोगे, इसी तरह और छोटे वाले को तीसरा, देन चौथा। उसके बाद हमें करना है जो फोर्थ नंबर वाला ग्रुप है उसको हमें हमेशा बॉटम पे लाने की कोशिश करनी है। तो वो तीन जगह हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो टॉप। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी हो तो उसे हमेशा बॉटम पे लाना है, और बॉटम पे लाने के बाद हमें ग्रुप का रोटेशन देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखा है जिसको मैंने नंबर दिया है। तो देखिए दोस्तों नंबर मैंने किस हिसाब से दिया है, इन चारों एटम में से आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए मैंने उसको 1 नंबर दिया है। उसके बाद उससे कम एटॉमिक नंबर आता है ब्रोमीन का, उसको 2 नंबर दिया है। उसके बाद आता है नंबर क्लोरीन का, उसको 3 नंबर दिया, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का, उसको सबसे कम नंबर असाइन हुआ है। तो ये नंबर का ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप यानी जिसको 4 नंबर असाइन हुआ है उसको मुझे बॉटम पे लाना है। तो इस समय ये राइट हैंड साइड है, तो बॉटम पे लाने का तरीका होगा इसको मैं यहां ले आऊंगा, तो ये ग्रुप यहां चला जाएगा और ये वाला ग्रुप यहां आ जाएगा, यानी टॉप ग्रुप को होल्ड रखना है और बाकी सारे ग्रुप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब जो नंबर है वो पहले की तरह मैंने रखे हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें रोटेशन चेक करना है, तो अब जो रोटेशन है वो किस तरह आ रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी जो रोटेशन आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। दूसरा एग्जांपल, यहां पर भी मैंने सेम कंपाउंड लिया है और उनको मैंने उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबर असाइन कर लिया। यहाँ पे जो आपको फोर्थ नंबर का ग्रुप दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसको बॉटम पे लाना है। तो ये बॉटम पे लाने का तरीका होगा इसको यहाँ और इसको यहाँ, यानी टॉप ग्रुप को अगेन होल्ड करना है और बाकी सारे ग्रुप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों फोर्थ वाला ग्रुप बॉटम पे आ गया है, बाकी ग्रुप का आप रोटेशन चेक करेंगे कैसे, 1, 2 एंड 3, यानी इसका जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो टॉप पोर्शन पे दिख रहा है, तो इसको मुझे बॉटम पे लाना है, तो किस तरह लाऊंगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इस ग्रुप को यहाँ, इस ग्रुप को, यानी हर किसी ग्रुप को मुझे 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है।
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अगेन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप यानी फोर्थ नंबर का ग्रुप बॉटम पे आ गया। अब मुझे इसका रोटेशन देखना है तो मैं देखूंगा 1, 2, 3 इस तरह रोटेशन आ रहा है। यानी दोस्तों ये जो रोटेशन होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, इसमें फोर्थ वाला ग्रुप बॉटम पे है तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, ये जैसा है उसको वैसे रहने देना है और सीधे आपको इसका रोटेशन चेक करना है। तो इसका जो रोटेशन है वो 1 इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, यानी इसका रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। इसी तरह देखिए दोस्तों, आपको हर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रोटेशन पता करना है। पहला एग्जांपल ये, इसमें इस ग्रुप को 1 नंबर दूंगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। देखिए दोस्तों, हमेशा उस एटम का एटॉमिक नंबर आपको काउंट करना है जो कैरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। यहां पर कैरल कार्बन से O डायरेक्टली अटैच्ड है और यहां पर N, इधर C और इधर C। अगर मैं सबको कंपेयर करूं तो O का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको 1 नंबर। उसके बाद आया नाइट्रोजन, उसको 2 नंबर। उसके बाद आया कार्बन, यानी यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैंने कंपेयर किस तरह से किया, देखिए इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद तीसरा कार्बन है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं पहले और दूसरे एटम को कंपेयर करूं तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन इस ग्रुप में 3rd नंबर पे कार्बन आ रहा है जबकि इस ग्रुप में 3rd नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो कार्बन को मैं प्रेफरेंस दूंगा तो इसलिए इस ग्रुप को मैं 3rd नंबर दूंगा। तो इसी तरह आपको कंपेयर करना है। तो ये मैंने कुछ नंबर दे दिए। अब आपको दिख रहा होगा जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो टॉप पे है, तो इसको मुझे बॉटम पे लाना है। तो वही तरीका मेरे पास, सारे ग्रुप को मैं 180 डिग्री रूट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी सारे ग्रुप चेंज हो गए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। तो अब मेरा फोर्थ ग्रुप बॉटम पे आ गया। अब मुझे इसका रोटेशन चेक करना है, तो यानी 1, 2 नीचे है और 3 उसके बाद ऊपर है, यानी ये जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S। नेक्स्ट, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, अगेन इसको मैं 1 नंबर दूंगा, इसको 2, 3 एंड 4। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने 1 क्यों दिया, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, लेकिन सेकंड नंबर पे दोबारा से इस ग्रुप में ऑक्सीजन है और इस ग्रुप में हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से मैं ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दूंगा, इसीलिए COOH ग्रुप को 1 नंबर मिला है और CHO ग्रुप को 2nd नंबर मिला है। तो आप देखिए दोस्तों, हमारा फोर्थ ग्रुप अगेन टॉप पे है, तो मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, अगेन 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको इसमें रोटेशन देखना है, तो 1 इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, इसका रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। मैंने कुछ आपके लिए ग्रुप का ऑर्डर लिखा है, वो आप देख लीजिए। अगर इस तरह का कोई ग्रुप हो तो टर्सरी ब्यूटाइल पहले आएगा, देन एसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल। अगर ये वाले ग्रुप एक साथ आते हैं तो हाइड्रोक्सिल पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में, एल्डिहाइड उसके बाद और मिथाइल सबसे बाद में। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा।